हाँ जी बुरहानपुर से बात कर रहे हैं ना, बुरहानपुर। हाँ हाँ बोलिए ना। वही कुछ तकलीफ के तालुक से कुछ बात पूछने की थी। हाँ बोलिए। अच्छा एक मसला ऐसा है, जो दो रकात नमाज चाहे रफील हो, सुन्नत हो, फर्ज हो, हाँ ऐसा बगैर तकलीफ के नमाज ऐसा मिल सकती है? मतलब ये तो मुनाफिक वाला सवाल है। नहीं मुनाफी वाला नहीं, मतलब जो जैसा कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज बेटा बोला तो बगैर तकलीफ का सहारा, मतलब जिसको कलमा नहीं मालूम या जिसको तौहीद नहीं समझती, जिसको कलमे के तकाजे नहीं मालूम, वही ऐसा सवाल कर सकता है? नहीं आप बताओ ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, कलमे के तकाजों में से ये है कि आदमी इबादत उसी तरीके पे करेगा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अमल से मशरू हुआ है, बेशक तभी उसका कलमा दुरुस्त होगा। बेशक अब नमाज इबादत है, बेशक अगर नबी से साबित नहीं होगी तो फिर नमाज किस काम की? तो वही बात पूछ रहा हूँ, एक मुसलमान का ये सवाल करना ये उसके निफाक की अलामत है। मतलब नमाज के अंदर तकलीफ का सहारा नहीं, किसी की तकलीफ का सहारा नहीं। अरे इबादत में कैसे करोगे आप इबादत, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर होगी। वही ना, जैसा पूरी नमाज जैसे तकबीर उला से लेकर सलाम तक, बिल्कुल तकबीर उला सलाम तक, असल से कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ होगी, इमाम ही पैदा नहीं हुए थे ना, तकलीफ कहाँ से होगी? नहीं कुछ इमाम साहब पैदा हुए थे क्या उस टाइम पे जब नमाज फर्ज हुई थी? आप बराबर बोल रहे हैं आप। आप समझो जैसे दरूद इब्राहिम है, अभी दरूद इब्राहिम मैं बोल रहा हूँ जो नमाज में पढ़ी जाती है, तो दरूद शरीफ को जो दरूद इब्राहिम रखा गया नाम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या सहाबा से साबित है, कैसा है? नहीं तो इससे क्या हुआ कि नमाज भी साबित है? नमाज इससे आपके सवाल का क्या ताल्लुक है? नहीं कुछ ना कुछ आइमा और मोहदीस इसके अंदर अटैच हो रहे हैं ना नमाज के अंदर, अटैच हो रहे हैं तो उसकी तारीफ करने में हो रहे हैं। दुरूद पढ़ा जाएगा जो हदीस में आ रहा है कि भाई ये पढ़ना है तुम्हें, अब ये पढ़ना है तुम्हें, अब इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है, अब इसमें तो इब्राहिम इब्राहिम सलाम की आल पर सलामती है, इसलिए इसको दुरूद इब्राहिम कहा गया। वही किसने कहा गया? जैसा नबी के जमाने में जब आज नमाज है ना, तो उस वक्त तो इससे नमाज का क्या ताल्लुक भाई? मैं मेरी बात नहीं समझे आप। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता था ना? पढ़ा जाता था। अब किसी ने बोला नहीं बोला उससे आपको क्या लेना देना, पढ़ा तो जा रहा है ना, नमाज तो साबित हुई ना। ये कब से बोल रहे जो दरूद इब्राहिम आए करके? अरे ये कब से भी हो, नमाज तो साबित है ना दो रकात, पहले वो मसले को क्लियर करो। हाँ वही ना, दो रकात पहले दो रकात नमाज। तुमने कभी बुखारी की किताबो सलात पढ़े? नहीं पढ़ा भाई। तो पहले पढ़ लो ना भाई, वही ना, सारी हदीसें मिल जाएगी आपको। मुझे एक स्कैन दो रकात नमाज का पूरा स्कैन दे सकते हैं आप? भाई तब मेरे को क्या ड्यूटी व्यूटी पे यानी जॉब पे लगूंगा मैं आपके? नहीं आपको मौलाना गुम्मन को बोलो ना, वो निकम्मे काम करता, उसको बोलो। नहीं तुम तो बड़े कुरान हदीस के माहिर हो ना, निकाल के दूना हदीस से नमाज। नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, माहिर है ना, तो माहिर है तो मैं आपकी ड्यूटी थोड़ी करो। बुखारी खरीदो, 3-4-5 हजार रुपए का आएगा बुखारी का सेट, वो खरीदो घर में रखो, आराम से देखो पढ़ो, किताबो सलात है उसमें, इमाम बुखारी ने किताबो सलात बाने हदीस है उसमें, देखो पूरी 2000 नमाज पूरी बुखारी में साबित है। अरे पूरी सारी नमाज मिल जाएगी आपको उसमें, तहज्जुद मिल जाएगी, तरावी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। 2 रकात नमाज? अरे 4 रकात भी मिल जाएगी। अच्छा हाँ, मतलब आपके पास नहीं है? मेरे पास क्या है, बुखारी का मैंने लिखा हूँ क्या? नहीं नहीं स्कैन पेपर रहेंगे ना आपके पास? नहीं भाई इतने कम में काम थोड़ी करता आप जैसों के लिए, स्कैन पेपर आपके लिए संभाल के रखूंगा। बुखारी किताब जब मौजूद है तो वो लो ना, स्कैन पेपर में क्यों जा रहे हो, खर्चा नहीं हो रहा दिन के लिए? मैं आप पढ़े हुए ना उसलिए पूछ रहा था। तो हमने तो पढ़े बुखारी में, इसलिए तुमको बता दिया, आप मान लो, नहीं यकीन आया तो जाके किताब में देख लो। पूरी 2 रकात नमाज है बुखारी में। हेलो, अरे क्या हुआ, तकलीफ के भूत गिर गए क्या? बात करो ना, मैं बात क्या बात करो, तुमको बोला बुखारी खोलो पढ़ो ना, तो तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही बुखारी के नाम से?
नहीं 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 बुखारी तो हमारे घर की किताब है ना, क्यों बुखार आती है? तुम्हारे घर की कहाँ से हो गई वो? इमाम बुखारी ने किताबुल हील बांध के तुम्हारा तुम्हारे हनफी मजहब को तो चीथड़ा उड़ा दी उन्होंने, यहूदियों का मजहब बताया उसमें किताबुल हील में। मैं यही पूछ रहा ना नदीम भाई, तुम्हारे पूरे इमाम हनीफा को तो रद्द किया उन्होंने उसमें, इमाम बुखारी ने। कहाँ से तुम्हारी हो गई? इमाम हनीफा को तो मुर्जिया जहमिया फिरके का लिखा उन्होंने। कौन सी किताब में रद्द करे? तारीख अल कबीर में। क्या बोल रहे उसके अंदर? इमाम हनीफा मुर्जिया फिरके से थे, उनकी राय बात लेने में सबने खामोशी अख्तियार की है, इत्तेफाक इजमा नकल की इमाम बुखारी। भेजेंगे इसका स्कैन मुझे? अरे फिर स्कैन भेजो या तारीख अल कबीर पढ़ो जाके, तुम्हारी है ना। अरे तुम बोलते हमारी बुखारी है, फिर हमसे स्कैन मांगते हो? वही ना, रोने की आदत है क्या? मतलब रोना बाजार भराने की आदत है बस? बुखारी आप? अरे और रिजाल की सबसे पहली किताब किसने लिखा? इमाम बुखारी अहले हदीस। ऐसी किताब जिसको देख कर इमाम बुखारी अहले हदीस है बोले क्या? मैं अहले हदीस में भर के? अरे बोलने क्या जरूरत है उसमें, फिर आप क्यों बोल रहे हो उनको? अरे वो तो सिफत है ना उनकी, सिफत है मतलब वो जैसे अल्लाह ताला ने साहबा को बोला ना अंसार की जमात, मुहाजरीन की जमात, साहबा ने बोले कि हमको अंसार की जमात बोलो, मुहाजरीन की बोलो, अल्लाह ताला ने बोला ना उनकी सिफत देख के, जन्नतियों को जन्नती, जहन्नमियों को जहन्नमी, अहले दोज़ख़ अहले जन्नत, अल्लाह के नहीं बोले ना तो सभी बोलते ना, जो सिफत होती है वो बोली जाती है ना। अब अहले हदीस इमाम बुखारी उन्होंने क्या लिखे? तारीख अल कबीर असम और रिजाल की सबसे पहली किताब, ऐसी किताब के उस्ताद ने बोला खलीफा को कि जादू दिखाऊं, तो खलीफा ने बताओ, तो उन्होंने तारीख अल कबीर किताब निकाल के दिया। 12,500 रावियों के अहवाल हैं उसमें, उसमें इमाम हनीफा का भी तस्करा है कि इमाम हनीफा जहमिया फुरके से थे, उनकी राय बात लेने में सबने खामोशी अख्तियार की, इसलिए इमाम बुखारी ने उनकी रिवायत नहीं ली ने बुखारी में ली क्या? इमाम आजम थे ना तो लेना चाहिए था ना, मतलब कोई बात नहीं ली उनकी? नहीं लिए ना भाई, जब मुर्जिया फिरके से बोल रहे तो क्यों लेंगे? अच्छा सबसे पहले शरीयत की किताब लिखने वाले कौन है? कौन सी शरीयत की किताब? जैसे सहाबा के जमाने में किताब, सहाबा के जमाने में अबू सिद्दीक ने भी लिखे और बहुत सारे सहाबा ने लिखे, कौन सी किताब थी वो किताब? बहुत सारी हजरत अबू सिद्दीक ने कुछ हदीस की किताबें, हदीसें जमा की, जो 501 हदीसें थी उसमें बहुत सारे सहाबा ने लिखे है। किताब का नाम बुखारी के मुकदमे में पढ़ो, पूरी तफसील है उसमें, अब बोलो ना यार, आप पढ़े ना? मैं नहीं पढ़ा, तो पढ़ाओ ना, बता दियो ना मैंने, अब गले काय को पढ़ लो मेरे को, गले नहीं आप जिम्मेदारी लेना, उसमें भी आपको पूछ रहा हूँ। हाँ तो बता भी तो दिया मैंने, जिम्मेदारी अदा कर दिया ना। नहीं ना, जैसा इमाम बुखारी लिखी किताब तो इमाम बुखारी नहीं, तो फिर उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, बुखारी खोल के आपको दर्द दिखाना पड़ेगा, फोन पे तो मैं बोल ही सकता हूँ ना। मैं क्या होता है आपको क्या मतलब, ऐसा कोई कशफ करामत से आपको क्या चमत्कार दिखाऊं वहाँ पर, क्या फोन पे बात भी करते और आपको दिखाई भी दे, ऐसा कुछ वो तो आप, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है क्या? वो तो आपकी बस की बात नहीं, करामत दिखाया बोले तो मैं क्या बता रहा हूँ, कयासियों के बस की बात है ना करामत दिखाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तीन बातें पूछा आपको, जैसे फोन लगाया बगैर तकलीफ के मुझे दो रकात नमाज साबित वाला है, बगैर तकलीफ के तकलीफ का लेना देना ही नहीं है, इमाम तो पैदा ही नहीं हुए थे जब दो रकात नमाज आई थी, इमाम से तकलीद का सारा लिया गया। दो रकात अपने इमाम से साबित कर दो, ये हमारा चैलेंज है। वही ना, तुम पहले ये तुम करो, हमने तो कर दिया, सही बुखारी की किताब सलात बता भी दिए, अब तुम बताओ कि तुम्हारे इमाम ने दो रकात नमाज तकबीर तहरीमा से सलाम तक कौन सी किताब में बताया, ये अब हमारा सवाल। आप मुझे पहले किताब आप स्कैन, अरे तुम नाम बोलो, मैं स्कैन विस्कैन भी नहीं मांगूंगा, तुम अपने इमाम से दो रकात तकबीर तहरीमा से सलाम तक की नमाज मेरे को दिखाओ, बताओ किधर है? वही ना, बताओ ना, वही ना क्या? मैं जरूर आपको स्कैन भेजूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप इमाम बुखारी से दो रकात नमाज मुझे भेज के बताओ ना भाई। अरे है ना किताबुल सलात, बोल तो दिया, किताबुल सलात में है। हाँ मतलब पूरा आ गया उसके अंदर, जैसा हाँ भाई, उंगली का हरकत करना, सलाम फेरना, सब है उसमें, सब देखे आराम से। फिर मैं फोन करूँ आपको इसके बारे में दोबारा? हाँ, लेकिन तुम भी दो रकात नमाज अपने इमाम साहब से तकलीद से दिखाना, जरूर बताऊंगा मैं, है ना? चलो अगली बार बता, जब तैयारी करके आओ ना तब आना। तैयारी क्या, मैं आपको स्कैन में भेज रहा हूँ, भेजो बोले तो आपने देखना चाहते है ना, माशाल्लाह कितने स्कैन भेजते हो तुम अपने इमाम की तकलीद में दो रकात नमाज।
वही ना, आप भेजेंगे तो मैं भेजूंगा ना आपको। नहीं मैं तो मैंने वादा ही नहीं किया मैं भेजूंगा। तो फिर आप दावा कर रहे हैं कि दो रकात नमाज नहीं, तो इसकी इसकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो बुखारी किताब बता दिया, तुम किताब का नाम बताओ मैं देख लूंगा। कौन सी किताब का नाम? तुम्हारे इमाम की, जिसमें दो रकात सलाम से लेकर अपने तकबीर तहरी में सलाम तक जो नमाज तुम भी पढ़ रहे ना उसके अंदर, मैं पूछ रहा हूँ आपको कुरान और हदीस के अलावा तकलीफ है उसके अंदर? अरे तकलीफ से तुम दिखा दो पहले, तुम नहीं दिखा सकते तकलीफ से दो रकात नमाज। मैं दिखाऊंगा ना आपको, क्यों नहीं तो दिखाऊंगा? कौन सी किताब है नाम ही बताओ तो मैं ढूंढ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, तुम्हें तो इनकी तकलीफ नहीं दूंगा। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सब भेजूंगा आपको। अरे सब जुमलेबाजी कम करो ना, नाम बोलो ना किताब का। मैंने तो सिर्फ हदीस की एक ही किताब का भी नाम बोला हूँ तुम्हें, अभी तो हदीस की 150 किताब है, कितने किताब उस पर आते हैं? ऐसे तो दावे बहुत रहते, 150 किताब है, 400 किताब है। ये दावे मतलब नाउज़ुबिल्ला, मतलब हदीस की किताबों में तुम्हें शक है? शक में भेजो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब दो रकात नमाज। ये तुमको किसने बोला कि नहीं है इतनी किताबें हदीस की? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा चैलेंज है इमाम बुखारी। तुम सर दो रकात का तो बताओ तुम्हारी कौन सी किताब में तकबीर तहरीम से सलाम तक? मुझे पहले पहले तुम्हारा दावा ये था, मैंने तो बता दिया। तुम कुतुब सित्ता उठा लो, किताब सलाह सबके देख लो, तुमको पूरी मिल जाएगी। मैं इमाम बुखारी को मैं क्या बता रहा हूँ, इमाम बुखारी में पढ़ूंगा, मेरे पास है। तो अभी तक क्या कर रहे थे तुम? तकलीद में पढ़ नहीं रहे थे ना? अफजल अमल इल्म हासिल करना है, तकलीद करना गैर अफजल अमल है, तो अफजल अमल को छोड़ के गैर अफजल अमल कर रहे थे? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दो रकात नमाज तो साबित करेंगे, मैं कल फोन करूंगा, एक घंटे की बात करूंगा, आप मुझे साबित करके दिखाना। हाँ और तुम भी साबित करके बताना तकलीद से दो रकात नमाज, जरूर साबित कर दिखाऊंगा। चले देखते हैं कल। ठीक है।